हेलो गाइस, तो फिर क्या हाल है आपके। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो पे। तो फिर गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फिर गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो रहते हैं स्कूल के आन मान शान और उनकी वजह से टीचर्स रहते हैं परेशान, यानी कि बैक बेंचर्स। तो फिर गाइस, जैसे कि सौरभ जोशी की हर एक वीडियो पीयूष होता है, वैसे ही हर एक स्कूल में कोई ना कोई बैक बेंचर होता ही होता है। इन बैक बेंचर्स का गाइस कोई काम नहीं होता, इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ जो आपकी क्लास के अंदर टीचर है उसको परेशान करना और जो बच्चे हैं उनको एंटरटेनमेंट प्रदान करना। और गाइस, आज का तो ये बैक बेंचर भी बहुत ही अलग अलग आने लगे हैं। पहले के बैक बेंचर हुआ करते थे जो कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते थे, लेकिन गाइस आज कल के बैक बेंचर तो बदतमीज बैक बेंचर आ चुके हैं। मतलब कि इनका एंटरटेनमेंट अब हमें एंटरटेनमेंट नहीं लगता, मुझे तो बहुत ही एनोइंग लगते हैं गाइस ऐसे बच्चे। मतलब आप मेरा विश्वास नहीं करोगे, ये टीचर की बिल्कुल बात नहीं मानते। मतलब क्या, थोड़ा बहुत तो बात मान लो, हंसी मजाक भी एक हद तक अच्छा लगता है, लेकिन क्या ही बताऊँ मैं। और गाइस, आपको अगर नहीं पता तो बता दूं कि मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा हूँ। मतलब कि मुझे ज़्यादा फालतू की बकवास बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और ये जब क्लास के अंदर बैठ के बकवास कर रहे होते हैं मेरा मन करता है कि मैं उठ के कहीं बाहर निकल जाऊँ, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं बाहर भी जा सकता हूँ ना, वापस अंदर नहीं आ पाऊँगा मैं। और गाइस, आजकल तो ऐसे ऐसे बच्चे आने लगे हैं कि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि उन्हें देख के मुझे लगता है ये उठते ही बाबा रामदेव का 100% देसी घी का नशा करके आए हुए हैं। मतलब कि इनकी बातें क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत ही एनोइंग लगते हैं ऐसे बच्चे। अगर मेरे पास डेथ नोट होती मैं इन्हीं का नाम लिख देता। ऐसे तो इनके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी बेकार बातें हैं, लेकिन अगर इन्हीं के बारे में बात करने लग गया तो अपनी वीडियो इन्हीं के बारे में एंड हो जाएगी। तो इससे हम बात करते हैं अपने अगले बच्चे के बारे में, नहीं मतलब कि अगले टाइप ऑफ स्टूडेंट के बारे में। गाइज, आपने अपने आस पास अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में आंटियों को तो देखा ही होगा कि वो कैसे चार पांच आंटियों को इकट्ठा करती है, फिर उनके साथ पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करने लग जाती हैं। सेम गाइस, ऐसे ही स्कूल में भी बच्चे होते हैं, मतलब कि चार पांच जो लड़कियाँ इकट्ठे बैठ जाती हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी बातें करती हैं। और अगर आप इनकी बातों को ध्यान से सुनते हो तो आपके कान से निकलने लग जाता है। और गाइस, ये पता है ऐसी बातें करती है और एक दूसरे की बातें करते हैं, मतलब कि अगर तुम पांच दोस्त हो तो पांच में से एक नहीं आया तो ये उसकी बातें करने लग जाती हैं कि वो ऐसी है वो वैसी है। और गाइस, अगर आप ये सोचते हो ना कि वो आपके सामने औरों की बेइज्जती करती है तो जब आप नहीं होते तो फिर औरों के साथ वो आपकी बेइज्जती भी करती है, ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ। और गाइज, ये औरतें पहले सिर्फ लड़कियों में पाई जाती थी, लेकिन आजकल ये लड़कों में पाई जाते हैं। मैं देखता हूँ आजकल लड़के भी इकट्ठे होकर पता नहीं कहाँ कहाँ के कौन कौन सी बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे की बुराइयाँ करने लग जाते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। तो फिर गाइज, इसके बाद जो हमारे अगले टाइप ऑफ स्टूडेंट आते हैं उनका नाम मैंने रखा है न्यूज़ बॉय। मतलब कि गाइज, ये वो लड़कियाँ होती हैं जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी न्यूज़ उठा के बताती हैं। मतलब कि इन्हें स्कूल में कहाँ पे क्या हो रहा होता है हर चीज़ का पता होता है। कि कोई बच्चा का ऑफिस के सामने तो इन्हें पता है कि वो उस बच्चे ने क्या ही उल्टा पुल्टा काम किया जो ऑफिस में। अगर कोई दो बच्चे आपको साथ में मिल जाते हैं तो इन्हें वो भी पता है कि इन दोनों के बीच में क्या ही हो रहा है। और गाइस, ये एक दूसरे को अपनी बातें कुछ ऐसे बताते हैं कि मैं तुझे बता दूँ तुम आगे ना बताई और किसी को, फिर जो अगला बच्चा और बच्चों को बताता है कि तू और किसी को ना बताई। और ऐसे गाइस, ये बात स्कूल में फैल जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को तो छोड़ो, ये बात लोग टीचर्स को भी बता दे तो इन्हें लगता है कि अगर ये ऐसी बात टीचर्स को बताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, वो इनके नंबर बढ़ा के देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और गाइस, ऐसे बेकार बच्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, उनको सिर्फ अपने ही काम से मतलब होता है, जो कि ना औरों के साथ ज़्यादा फालतू बोलते हैं और जो फालतू बोलते हैं वो उन्हें अच्छे भी लगते हैं। तो आप सोचोगे ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ। और गाइस, अगर आप भी उनमें से एक हो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, हमें कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।